हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। जी मैम के हेयर देखिए, बिल्कुल बाउंस नहीं है ना, बिल्कुल भी डेंसिटी दिख नहीं रही है बालों के। अब डेंसिटी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर स्टेप्स और लेयर्स बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है ना। तो मैम के हेयर बिल्कुल ही थिनिंग हो गई, बाल लंबे तो हैं लेकिन बहुत कम बाउंस है, डेंसिटी नहीं है। तो उसके लिए हम पीछे से हल्का सा स्टेप करेंगे और फ्रंट से लेयर भी करेंगे, तो उसके बाद आउटर शेप भी निकालेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतने बाल तो हमें काटने पड़ेंगे क्योंकि लेंस में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो थोड़े से बाल काटेंगे, उसके बाद बैक हेयर में बैक साइड से ही थोड़े से स्टेप देंगे जिसकी वजह से वो बाउंस आए। तो सबसे पहले एक बेस गाइडलाइन बनाते हैं। ये रही करेंट से पूछा, ये हल्की सी जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसको हम काट लेते हैं। अब हेयर को प्रोफाइल सेक्शन, मिड सेक्शन से, सेंटर पार्टिंग से दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। राइट, ये हमने सेंटर पार्टिंग निकाल दी, इसको मिड प्रोफाइल या सेंटर पार्टिंग कहते हैं, प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से बैक से दोनों सेक्शनों में से एक एक सेक्शन लेंगे और उसको बैकवर्ड के अंदर 90 डिग्री पे, अकॉर्डिंग टू यू जितना आपको बाउंस देना है, जितना आपको स्टेप्स देने हैं, उसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे और कट कर दिया। राइट, तरीके से चेक कर लेंगे एक बार, मैंने आपको बता रखा है, चेक करिए, जैसे भी कोई भी करेक्शन उसको करेक्ट करिए और ऐसे ही करना है, क्योंकि अब इससे क्या होगा, पीछे एक बाउंस आ जाएगा। देखो लेयर्स आएंगे, देखो कितने सही लगे, देखो दिख रही है। हाँ, तो बस अभी इसी सेक्शन को उठाना है, आगे से एक और सब सेक्शन उठाना है, उसके अंदर गाइडलाइन को मैच करना है और फिर से कट कर देना है। दिखा देता हूँ मैं, ये देखो गाइडलाइन ही आई थी ना हमारी, इसके साथ मैच किया और कट कर दिया। राइट, तरीके से ही करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे कि मैं आपको हर बार बता चुका हूँ। देखिए उठाया, ये कट डन। राइट, तो ऐसे ही करना है, अगेन लेयर्स आ जाएंगे। देखिए अब इसमें से एक पतला सेक्शन लेंगे पहले, तो ये देखो गाइडलाइन आ गई हमारी, और आगे से सब सेक्शन लिया, उसके अंदर फिर अगेन उसके हेड शेप के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारा सिर का आकार है, हेड की जो शेप है, उसके अकॉर्डिंग मूव करते रहेंगे और 90 डिग्री पे कट करते रहेंगे। राइट, ये दिख रहा है आपको। तो इसी को बैक में बैक लेयर्स, जिनको स्टेप भी कह सकते हो आप, वो आएंगे, जिसकी वजह से हमें एक बाउंस क्रिएट मिलेगा। और नीचे की पूंछ तो हमने स्टार्टिंग में ही काट दी थी, जिसके वजह से हमें ना नीचे बल्क मिलने वाला है, जो कि एक फेस फ्रेमिंग के बाद में एक अच्छा खासा बाउंसी कट जैसा दिखेगा। अभी हम फेस फ्रेमिंग भी करेंगे, उससे पहले आप ये स्टेप देख लीजिए अगेन। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, इससे पहली वाली वीडियोस में भी क्या बताता हूँ, ये कि अब जो फ्रंट वाला सेक्शन है वो देखना, हम थोड़ा सा बैक में जहाँ पे ये कट रहा है ना, बिल्कुल यहीं पे लाके काटूंगा मैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि फ्रंट का सेक्शन ऐसे नहीं काटते हैं, जैसे कि एज यूजुअल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फ्रंट का ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। ये देखिए सेक्शन है, यहाँ की जगह हल्का सा इसको बैक लाऊंगा मैं, देखो लाया ना पीछे की तरफ ही, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ्रंट को हल्का सा लॉन्ग रखिए बाद में, क्योंकि ये ना फेस फ्रेमिंग में आउट हो ही जाता है, फेस आउट होने का मतलब है कट जाता है, फेस फ्रेमिंग सबसे पहले फ्लिक्स ही करता है वैसे तो। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी अगेन यहाँ से हमने सेक्शन लिया और यहाँ से गाइडलाइन मैच करिए, देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भी तो इसके साथ बिल्कुल मैच करके मर्ज करके कट कर दिया, दैट्स इट। इतना ही करना है, जैसे उस साइड का काटा था वैसे इधर से 90 डिग्री उठाया, बिल्कुल फिनिशिंग चेक करी, दोबारा मैं रीचेक किया और छोड़ दिया। अगर आप देखोगे तो आपको इसमें भी स्टेप्स और लेयर्स मिल जाएगी। ये देखो अब यहाँ से एक और सेक्शन लिया, पीछे से गाइडलाइन ली, फिर से उठाया, 90 डिग्री पर लाएंगे और कट कर देंगे, जो कि आप विजुअल आपको करना ही करना है सही। ये देखिए लाए कट, दैट्स इट। बहुत सिंपल हो जाते हैं यार, एक बार आप प्रैक्टिस की जो होता है, अगर आप प्रैक्टिस देखो अभी भी यार, इसको देख के भी आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका कट वैसे ही फाइन हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सिखाया हुआ भी भूल जाओगे, मतलब कभी सीखा भी होगा तो। राइट, इसको देख रहे हो, अब यहाँ से हमने उधर से सेक्शन उठा लिया जिससे कि उसको मैच कर पाएँ कि दोनों की लेंथ बराबर है कि नहीं है, ये देखो बराबर है। राइट, तो अब हमें टेंशन नहीं है, अब इधर का भी चेक कर लेंगे, क्योंकि उधर का हमें लॉन्ग या शॉर्ट लग रहा था, उसके हिसाब से इसको कट कर लेंगे जितना मैच होगा। ये देखो हल्का सा ज़्यादा था इधर का, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कट करते वक्त, अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, चेक तो जरूर करना चाहिए, चेक किस लिए बनाएं। अब फ्रंट से फ्रेश फ्रेमिंग देंगे, जिसको हम लेयर कट, जिसको हम फेदर कट, जिसको हम फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कट भी कहते हैं। राइट, इसको फ्लिक्स लिया अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, उसको हल्का सा स्वाइप अप किया और ये कट, देखो कट गया ना, मैंने बोलता ना फ्रंट कटता है फिर उसको, लेकिन फेस फ्रेमिंग के लिए हमारे पास स्पेस होगा, जब भी तो काटेंगे, मार्जिन होना चाहिए। राइट, ये देखो अब पीछे सेक्शन लिया, अब यहाँ पे जो हेयर है ना, पीछे से हम वैसे तो कर ही चुके हैं स्टेप कट्स बल्क के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत फाइन फाइन कट रहा है, लेयर्स हमें प्रॉपर नहीं बनानी, बस हल्की सी फेस फ्रेमिंग देनी है, इसलिए मैं बहुत कम कम काट रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए तो बस हल्की सी फेस फ्रेमिंग, क्योंकि अगर ज़्यादा ही आउट करेंगे तो फेस फ्रेमिंग तो आ जाएगी, लेकिन बैक में जाएगा ना तो जो आपके स्टेप्स हैं जो आपको, वो थोड़े से अप डाउन लगने लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि ऊपर के हेयर छोटे होते हैं, नीचे के तो बड़े हैं स्टेप में। अब यहाँ पे आप पीछे घुमाते हुए ला रहे हो तो नीचे के जो बड़े हेयर उनको भी आप काट रहे हो। अब इस वाले सेक्शन को मैच कर लेंगे इधर से, क्योंकि उधर से हमने सेक्शन ले लिया, जितनी लेयर हमने उसकी काटी है। क्यों मैच करेंगे, क्योंकि हमने जो फ्लिक्स था, फ्लिक्स से थोड़ा सा लंबा काटा है लेयर्स को, तो वो जो फर्स्ट टाइम में तो हम एक सेक्शन की काट देते हैं, लेकिन जब इस साइड काटेंगे तो उधर का सेक्शन ले लेंगे, जिससे कि वो मैच हो जाए,
इसलिए हम उस साइड के सेक्शन में से थोड़ा सा पार्ट उठा लेते हैं उस वाले हिस्से में से, जिससे कि वो मैच हो जाए, और दैट्स इट, कट कर दिया है। देखो अभी क्राउन सेक्शन पे मर्जिंग कर देंगे ट्विस्टिंग करके, अनइवन एक फ्रेम आ जाए, ये देखो ये आया, उसको ट्विस्ट किया, उसको अनइवनली कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि वो तो अनइवन दिखे, नेचुरल दिखे, जिससे कि अच्छा लगेगा, राइट। इसके अंदर आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये आपकी चॉइस है। ये कट कर दिया, डन। ये देखो ये कट के आ गए, और थोड़े बाल अंदर भी उसमें भी कट गए होंगे, राइट। अब इसके साइड के जो बचे हुए बाल हैं उनको कट कर लेंगे हम फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग। ये देखो इधर के कट कर लिए, इसको हटाया, इसको भी कट कर लिए तरीके से। ये देखिए इधर से मैच किया, कोई ज़्यादा है, बड़ा है, छोटा है, तो उसको दोनों को मैच किया, जो बड़ा है उसको काट देंगे, राइट। ये हल्का सा आप चेक करते रहोगे, ये देखो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको बहुत कम कम काटा था, याद आया? नहीं आया तो वीडियो जाके देखो, इसलिए वो मैच हो गया, मैच नहीं हो रहा, हल्का सा मैच हो गया, मैच हो गया। तो यहाँ पे लेयर्स को हमने हल्का सा फ्रंट का लेयर्स में कन्वर्ट किया, ऊपर अपर उठा के, और ये हो गया फाइनल। चलो ड्राई करते हैं, फाइनल लुक देखोगे बहुत वाह आया है, मतलब नेक्स्ट लेवल आया फाइनल लुक, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो अब कहीं से लग रहा है आपको हेयर थिनिंग शोल्डर पे, डाउन पे, कहीं पे नहीं लग रहा ना, इतना बेस्ट रिजल्ट लेकर के आता है। इसलिए कहते हैं 2 से 3 कट मिक्स करके जब आप न्यू कट क्रिएट करते हो ना, अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिमांड, अकॉर्डिंग टू हेयर सिचुएशन, उस टाइम थिनिंग है क्या है, तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपके हेयर कट और एक लेवल अप हो के आता है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैडम की रील ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर अपलोडेड है। थैंक यू।